नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। सहरसा जिले के बैजनाथपुर मधेपुरा रोड स्थित तेरी गांव के समीप जेआर राइस मिल का उद्घाटन कोशी कमिश्नर के आयुक्त व मनोज कुमार और जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में SP उपेंद्र नाथ वर्मा, पूर्व सांसद आनंद मोहन, जेआर राइस मिल के डायरेक्टर धनश्याम चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सहरसा जिले में बैजनाथपुर मधेपुरा रोड स्थित तिरी गांव के समीप जेआर राइस मिल का उद्घाटन कोशी कमिश्नरी के आयुक्त मनोज कुमार और जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में SP उपेंद्र नाथ वर्मा, पूर्व सांसद आनंद मोहन, जेआर राइस मिल के डायरेक्टर घनश्याम चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। जेआर राइस मिल खुलने से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भी फायदा होगा। अब किसान को धान बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही साथ पलायन पर काबू भी रहेगा, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। कोशी कमिश्नरी के आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि सहरसा में राइस मिल का उद्घाटन हुआ है, इसकी कैपेसिटी लगभग 12 टन ओवर है। इस मिल के ऑपरेशन होने से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को लाभ मिलेगा। किसानों के द्वारा जो धान उपजाया जा रहा है और उसकी प्रदेशों में मिलिंग के साथ पैकिंग होती थी, फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता था, अब यही प्रोसेसिंग होने से उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे और निश्चित रूप से आसपास के जिले के लोगों को फायदा भी मिलेगा। ये सहरसा जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेआर राइस मिल के डायरेक्टर शुभम कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राइस मिल में वर्ल्ड क्लास की मशीन लगी हुई है। इस मशीन की खासियत है खराब धान को भी बेहतर चावल निकाल सकता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने पलायन को काफी हद तक रोका और आगे भी रोकने का प्रयास कर। किस व्यापार का शुभारम्भ किया गया? आज राइस मिल का व्यापार का शुभारम्भ किया गया। ये जो फैक्ट्री है इसमें जो भी मशीन लगाया गया ये सारा वर्ल्ड क्लास मशीन लगा हुआ है। जो इसका मेन मशीन है वो सटाके का वर्ल्ड का नंबर वन मशीन है। इसके जरिए हमें ये फायदा होगा कि यहाँ के जो भी धान है जो खराब क्वालिटी का भी उसका भी अच्छा क्वालिटी में हम लोग धान दे सकते हैं, चावल निकाल सकते हैं। उसका दूसरा फायदा ये होगा कि अगर अच्छा क्वालिटी का चावल निकलेगा तो हम अच्छे रेट में बेच सकते हैं। तो वाजिब सा बात है कि हम अच्छे रेट में खरीदने के लिए भी हम पॉसिबल रहेंगे। जो अभी मान लीजिए 17 रुपया में खरीद रहे तो हम 18 रुपया में भी आराम से खरीद सकते हैं, MSP के ऊपर भी हम लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, ये कोसी का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ लगातार पलायन बदस्तूर जारी रहती है, इस फैक्ट्री में यहाँ लोगों को कितना रोजगार? देखिए, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इसी बात की है कि मैंने बहुत हद तक पलायन को रोका। अभी इतने मुझे खुशी हो रही है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो भी यहाँ से लेबर क्लास के लोग बाहर गए हुए थे, बिहार, पंजाब, UP, सब वापस हमारे फैक्ट्री में वापस आए हैं काम करने के लिए। इनफैक्ट आप यहाँ बोलते हैं कि बिहार से बाहर जाते काम करने के लिए, मैंने क्या किया, ट्रेंड उल्टा कर दिया, यूपी से, दिल्ली से वापस यहाँ पे कुछ इम्प्लॉय को लाया हूँ काम करने के लिए। तो ये बहुत ही खुशी का बात है यहाँ बिहार के। क्या लगता है कोसी के कितने लोग यहाँ रोजगार कर पाए? कोसी में इस फैक्ट्री में तो डायरेक्ट वे में 200 आदमी का रोजगार है और इनडायरेक्ट वे में हजारों से का रोजगार मिलेगा। क्या नाम? मेरा नाम शुभम कुमार है। कम उम्र में जो है इतना बड़ा जो है बिजनेस का, कहाँ से प्रेरणा मिली? इसका प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिला जो मेरे रोल मॉडल है। आगे आप कोसी कमिश्नरी में सबसे जो है बहुत ही प्रफुल्लित ये जेआर कंपनी जो मतलब ब्रांड यहाँ की चावल जो है यहाँ से जी यहाँ पे आपको लगभग 10 ब्रांड हमारा चलेगा जीआर के नाम से। जीआर का मैं आपको बता देता हूँ, जीआर का नाम हमने अपने मदर और फादर के नाम से इनिशियल किया जो घनश्याम और रीना से है, तो इसका मतलब जीआर का मतलब यही है। आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना? आज के युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि काम करने में ये नहीं बोलना चाहिए यार ये हो नहीं पाएगा, करने से काम बनता। आप अगर करेंगे तो ही काम बनेगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ में रखिए, उनके आशीर्वाद से ही सारा कुछ होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार है। जेआर राइस मिल का उद्घाटन हुआ है और ये इसकी कैपेसिटी लगभग 12 टन पर आवर है। इस मिल के ऑपरेशनल होने से 300 लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार यहाँ मिलेगा, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से काफी अधिक संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के किसानों के द्वारा जो धान उपजाया जा रहा था और उसके बाहर के प्रदेशों में जाकर के उसकी मिलिंग होती थी और उसकी पैकिंग और फिर फाइनल प्रोडक्ट भेजा जाता था, तो यही प्रोसेसिंग होने से अच्छे रेट भी मिलेंगे और निश्चित रूप से इससे आसपास के जिले के किसानों को भी फायदा होगा। ये सहरसा जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग का प्रयास है कि ऐसे और भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस जिले में आए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिले, साथ ही साथ किसानों का भी जीवन स्तर अच्छा हो और उनके उत्पादों का अच्छा
वैल्यू मिले उन्हें। निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य यहाँ लोकल स्तर पे ही मिल पाएगा।